हलो स्टूडेंट हेल्प में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है बात करेंगे यूपी लेखपाल भर्ती दो हज़ार बाईस के बारे में जब आप लोग यूपी लेब कल भरते हो और इसका फॉर्म अप्लाई करते हो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो ये तो है फोटो और सिग्नेचर जब आप लोग अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने वाले ऑप्शन पर जाते हो तो सब तो वहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है आप लोग चाहे एक बार या सौ बार रिफ्रेश कर लेते हो तब भी सब तो वहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है ये जैसे एक सैंपल है सब तो जब आप लोग इस वाले ऑप्शन पर आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है ठीक है तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया था सर इसकी क्या समस्या है इसको कैसे ठीक किया जाता किया जा सकता है तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको इस चीज को ठीक करना है तो आपका जो फोटो दिखाई नहीं दे रहा है उसको कैसे आप लोग यहाँ पे शो हो, होते हुए दिखाई देंगे ठीक है तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर प्रेस कर लेना जिससे आपको यूपी लेखपाल से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिल सके तो यहाँ पे हम बात करेंगे जब आप लोग अप्लाई करते हुए सब आप मतलब पूरा सबमिट अपना जो ब्यौरा है उसको फिल कर देते हो उसके बाद तो जब आपको फोटो और सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे आते हो तो आपको ये चीज़ें दिखाई देती हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे आपका जो फोटो है वो ब्लैंक रहेगा और जो साथ आपकी सिग्नेचर रहेगी वो भी साथ ब्लैंक रहेगी ठीक है तो आप लोग चाहे जितनी बार यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन भी है रीलोड का ऑप्शन भी है इसको कर लेते हो तब भी साथ वही नहीं होता है ठीक है तो उसके बाद आप लोग क्या करते हो यहाँ पर कंटिन्यू भी क्लिक कर देते हो कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है नेक्स्ट स्टेप पर चलाता है तो यहाँ पर आपको क्या दिक्कत होगी यहाँ पे जब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा जैसा तो आपका फाइनल सबमिट होगा प्रिंट आउट निकलेगा तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आपकी नहीं दिखाई देगी ठीक है इससे क्या रहेगा आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी तो चलिए देखते हैं कैसी प्रॉब्लम है कैसे ठीक करना है सारी चीजें बता तो उससे पहले साथ जो टेस्ट बुक की तरह से आप लोगों को बढ़िया ऑफर दिया जा रहा है पास ऑफर तो यह तो आपको अठारह मंथ का पास दिया जा रहा है सिर्फ तीन सौ निन्यानवे में ठीक है अगर आप हमारा हेल्प कोड यूज करोगे आपको आप लोग इस पास को लेते हो तो आपको ठ रुपए की और यहाँ पे छूट मिल जाएगी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ठीक है तो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई जाके चेक कर लेना आप अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ले लेना अच्छा कोर्स है आपको अठारह मंथ तक दिया जा रहा है सिर्फ तीन तीन सौ निन्यानवे में ठीक है तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपी ट्रिपल सी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो आप लोग अपना लॉगिन कर लेना लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम आ चुके हैं तो एक ये फॉर्म है इसको जैसे हम लोग यहाँ पे रीलोड करते हैं तो जैसे ये रीलोड हो चुका है तो यहाँ पर रीलोड होने के बाद तो यहाँ पे फिर से ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है ठीक है तो ये सब फिक्स नहीं हो रहा है मैंने काफ़ी बार किया है तो यहाँ पे तकरीबन सा तो मैंने दस बार कर चुका है यहाँ पर इसको रि रिफ्रेश और रिलोड तो ये सा तो हो नहीं रहा है ठीक है तो ये सर तो थोड़ा थो थो सा साइट का जो बगिंग है वो हो रहा है ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है शायद अट्ठाईस तारीख इसकी लास्ट डेट है इसीलिए सा तो ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं हालांकि ये चीज़े चीज़ें सा तो शुरू से आपको दिखाई दे रही जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे शुरू में स्टार्टिंग से तो तब सर तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं लेकिन तो ये इस चीज़ें साइट देखिए कितना दिक्कत हो रही है कि अभी तक ये चीज़ें ठीक नहीं की गई ठीक है तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिफ़्रेश करते रहना अगर ऐसा तो आपका आपके क्षेत्र में सर्वर जो नेटवर्क है वो डाउन होगा तो सर तो ये रिलोड नहीं हो पाएगा ठीक है तो आप लोग क्या करना है आप लोग रात को बारह बजे के बाद या सर तो बारह बजे के बाद करना है या तो सुबह सा तो छः बजे या पाँच बजे आपको इसको लॉग करके रिफ़्रेश करना आपका हो जाएगा ठीक है तो मैंने भी कई का, फार्म यहाँ पर ऐसे किया है तो कई फार्म हो हो गए थे तो एक ये फार्म है सुबह मैं जो वीडियो बना रहा हूँ नौ बज के चौवालीस मिनट है तो इस समय साथ तो ये नहीं हो रहा है ठीक है तो आप लोग रात को करना बारह बजे या तो सा तो सुबह पाँच से छः के बीच करना तो आपका ये सातो रीलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपका फोटो जो सिग्नेचर है वो साधो तो शो हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद साथ तो नहीं होता तब भी साथ तो एक ऑप्शन आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे फाइनल सबमिट पे कंटिन्यू क्लिक कर देना ठीक है पहले कोशिश करना ना हो तो तब करना ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ठीक है तो उसके बाद क्या करना सा तो जो मॉडिफाई का ऑप्शन आपको दिया जाएगा तो मॉडिफाई के ऑप्शन जाके चेंज कर लेना अपन फ़ोटो और सिग्नेचर दोबारा से रि, रिलोड कर लेना तो उसमें सा तो हो जाएगा ठीक है तो यही चीज़ें हैं थोड़ा सा साइट की प्रॉब्लम है नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसीलिए सा तो नहीं हो रहा है थोड़ा सा कोशिश करना है यहाँ पर रिफ्रेश करते रहना दस बीस बार पचास बार जितनी बार हो सके तो आपका हो जाएगा ठीक है तो और भी वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जय हिंद